मैम, आपको पता है लखनऊ की चार चीज़ें फेमस है कौन सी? पहला तो देखने में भूल भुलैया, खाने में टुंडे कबाब, पहनने में नौबी कपड़े चिकन के, लखनऊ की नौबियाँ। पहले आप नौबी वाली छूट देते। हेलो गाइस, सो दिस इज डे वन इन लखनऊ एंड टुडे वी आर गोइंग फॉर अ बेसिक साइट सीन, थोड़ा इमाम वाला, आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट्स कॉल्ड। आई एम वेयरिंग दिस प्रिटी ब्लू कुर्ती, टोटली लविंग इट। द वेदर इज सो गुड, बहुत अच्छा सुहावना वेदर हो रहा है। वेयरिंग दीज झुमकीज ऑल्सो, टोटली लव इट हाउ दे आर गोइंग, यू नो, विद द कलर ऑफ दिस कुर्ती, रियली अमेजिंग। ऑल्सो गाइज, वी आर एट इंदिरा नगर, इफ यू रिमेंबर द मीम। इसको बोलते हैं रूमी दरवाजा। इसको बनवाया था नवाब आतिकुद्दौला ने। ये 1784 बना था, जिस टाइम पे यहाँ काल आया था। ये तो वही बिल्डिंग है जो नवाब साहब दिन में बनवाते थे, रात में तोड़वा देते। दिन में बनवाते, दिन में बनवाते थे, रात में तोड़वा देते, गिरवा देते थे। अच्छा, फिर दिन में बनवाते थे, फिर रात में तोड़वा देते, क्योंकि 11 साल का अकाल था तो गरीबों को रोजगार देने के। ये बनाता इमाम बाड़ा बोल भैया। इमाम बाड़ा क्या है, धार्मिक स्थल है, अंदर वॉक करके आप जाओ। रिद्धि की कोई बात नहीं सुन रहा, रिद्धि मुझे बताएगी क्या हुआ। रिद्धि कौन कौन आपकी बात नहीं सुन रहा, क्या हुआ था। चलो आ जाओ, ईक का रस पीते हैं। रिद्धि 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 गन्ने के रस को बोलती है, गन्ने के जूस को बोलती है ईक का रस। तो हम लोग अब ईक का रस पीने जा रहे हैं ना रिद्धि। द रियल गोल्ड। यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि ये, मतलब जब पहले कोर्ट कचहरी नहीं होती थी तो दरबार लगते थे, सो दैट दरबार पीछे ऐसे मुझे एवरीवेयर आई गो आई जस्ट सी लंदन। बट या क्लॉक टावर इज सो प्रिटी पीछे। और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, इसकी टिकट इज जस्ट फॉर 50 rupees। तो अंदर देखते हैं, जैसे आएगा पिक्चर गैलरी, आई कॉन्ट रिकॉर्ड, सो आई एम गोना स्टॉप हियर। नींद आ रही है, सो जा फिर क्या बाकी सब चलाएंगे। नहीं, मेरे पास सो जा, मैं तेरे को उठा के ले जाऊं। गुड नाइट। ये कहां आ रही है? एंट्री बंद हो गई। हां देख पर। शर्मा जी की चाय जो यहाँ पे बहुत फेमस है, दैट्स व्हाट दिस प्लेस इज। देयर सो मच हाइप अबाउट दिस प्लेस एंड द चाय। बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे ऑनेस्टली। बट मुझे यहाँ पे अभी जो आसपास के लोग हैं और जो हमारे गाइड भैया हैं, उन्होंने बताया कि जितने भी अभी वर्ल्ड कप हुआ था तो जितने भी वो थे, क्रिकेटर्स थे, सब ने यहाँ पे आके ऐसे चाय वाय पी थी। तो इट्स लाइक, यू नो, वेरी फेमस है, वेरी फेमस हियर। मैंने अभी तक एक भी सिप टेस्ट नहीं किया, सो आई एम गोना सिप इट एंड आई एम गोना हैव लाइक अ रियल टाइम रिव्यू। ओके, अच्छी है, कड़क है। आई एम नॉट चाय पर्सन, बट इसमें थोड़ा मसाला भी है। और इनकी टेक्निक भी डिफरेंट है, लाइक पता नहीं क्या, ये अलग से ब्लैक टी बनाते हैं पहले, फिर उसमें दूध डालते हैं, समथिंग समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, चाय रिव्यू।
बहुत अच्छी चाय है, जो कोई यहाँ पर आए एक बार शर्मा जी की चाय जरूर पिए, बहुत अच्छी चाय। हाँ जी अच्छी चाय है, शर्मा जी की चाय बहुत अच्छी है। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही फेमस चाय है शर्मा जी की, बहुत मशहूर है, बहुत लेकर बाहर तक बाहर।